आदर धन्यवाद, आपने परिचय कराया तो मैं समझ गया कि कोई सोया नहीं है करके, यानी क्योंकि सब जगह से ताली बजी थी कि नहीं बजी थी उधर आखिरी में। देखो इधर बीच में जो लोग सोए हैं उनको जगाऊंगा नहीं, जो इधर बीच में सोए वो क्लास में भी सोते रहते। अभी फॉर्मूला बदल गया, अभी जो फॉर्मूला है हमारे समय था, हमारे बड़े भाई मनीष अवस्थी जी यहां बैठे हैं, मैं पहले मंच का नाम ले लेता हूं, मेरी आदत ही नहीं रही, मेरे को अपने सामने कोई दिखता ही नहीं दूसरा। हमारे बड़े भाई मनीष अवस्थी जी, उन्होंने अभी मेरा परिचय कराया, श्री विनीत गोयनका जी हमारे मंच पर आसीन, नूपुर बासु मैडम, हैदराबादी हिंदी बोल के मुझे डराने का प्रयास करने वाली हमारी बहन सुचरित्रा जी, मैं ये तुम बीच बीच में हंसोगे तो मैं बोलूंगा नहीं। देखो अभी बहुत गंभीर चर्चा चालू है, इतनी गंभीर थी कि मैं सोच रहा था कि सचमुच मैं भाषण दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। अच्छा अमीना वाली मैडम को तो मैं कभी ना कभी बदला लूंगा उनसे, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना हार्ड टॉपिक दे दिया, इतने हार्ड टॉपिक की पढ़ाई अगर मैं स्कूल कॉलेज में बहुत सीरियसली करता तो सच्ची आज पत्रकार तो नहीं होता। अब जो टॉपिक का हिंदी वर्जन है कि क्या विकास जो है ये हमारी संस्कृति को क्या विपरीत प्रभाव डाल रहा है, क्यों नहीं ऐसा ही है। अभी एक तो ये विकास कौन है मेरे को आज तक समझ नहीं आया, आप लोग भी ढूंढ रहे होंगे उसको, गुड मिलेगा मिलेगा। हाँ नहीं देखिए, अरे सॉरी विनीत जी आप हैं यहाँ पे, मैं भूल गया, देखिए विकास वाले हैं यहाँ पर, विनीत जी अपने को ढूंढ के लाएंगे विकास को। नहीं नागपुर में विनीत जी मैं आपकी तरफ से बोलता हूँ, नागपुर निश्चित रूप से पिछले 5 साल में बहुत विकसित हो गया, वो विकास से आगे चला गया। और ये जो संस्कृति है ये जिस भी लड़की का नाम होता है ना वो भागवत खाती है, ये ना मेरी कोई पहचान की नहीं है, आप लोगों की हो तो बताना, और अगर भाव नहीं खाती हो तो भी बताना कि नहीं नहीं वो भाव नहीं खाती, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि संस्कृति जो होती है ना ये अच्छी होती है, वैसी अच्छी नहीं जैसे तुम हाँ बोल रहे, हाँ ये ना अच्छी लिटरली अच्छी होती है। अब ये संस्कृति का विकास से वास्तव में कोई अच्छा एक 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 अपने में से विकास कौन है, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ भाई, अच्छा उसको जबरदस्ती विकास मत बनो, और संस्कृति भी कोई नहीं होगी, अच्छा संस्कृति तुम तो खड़े ही हो जाओ, तुम्हारे नाम एक अच्छा विकास ढूंढ ले। अच्छा अभी सबकी नींद दूर हो गई, अभी मैं एक बोरिंग भाषण दूं, यार ये बीच बीच में लाइट चलता बुझता ना ऐसा लगता मैं स्टार हूं कोई करके। देखो ऐसा है कि विकास और संस्कृति का कोई मेल नहीं, अरे यार ये हर बात पे तुम लोग हंसोगे, बोले ना अपन टॉपिक चेंज कर देते, ये बात सही है यार, विकास का कोई लेना देना नहीं है संस्कृति से, और संस्कृति को पूछ लो उसका विकास से पक्का कोई लेना देना नहीं।
हम बात कर रहे हैं संस्कृति की, उस संस्कृति की बात हम करते हैं जो हमारे यहां बहुत अरसे से, जिसको हम बताते आए हैं कि वैदिक काल से हम एक ऐसे ट्रेडिशन को, हम एक ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं ना भारतीय संस्कृति बहुत अमीर है, बहुत रिच है। अब ये संस्कृति का विकास पर पड़ने वाला प्रभाव या विकास का संस्कृति पर पड़ने वाला प्रभाव अगले 15-20 मिनट में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि अगर मैं यहां बोलूंगा तो वहां भी कुछ लोग बोलेंगे, इसलिए अपन दोनों में से कोई भी एक जन बोलेगा, मैं बोलूंगा या आप बोलेंगे। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको आंसर देना है हा? जैसे क्लास में सो जाते वैसे नहीं, आपको कौन सी संस्कृति अच्छी लगती है? पद्मावती में हीरोइन कौन थी? तो दीपिका जो संस्कृति को फॉलो कर रही थी वो अच्छी लगती है, किस सिम्बा वाली संस्कृति अच्छी? यानी पद्मावती किसी को नहीं अच्छी लगती, इधर भी नहीं। मैं ये दोनों उदाहरण इसलिए देने की कोशिश कर रहा था आपको कि हमारी हमारी संस्कृति में एक तरफ तो पद्मावत वाली संस्कृति कि हमने त्याग बलिदान और बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी हैं, हमारे माता पिताओं ने सीखी, हमारे गुरुजनों ने सीखी है, हमारे हमें सिखाई गई है कि हमारे नियम है, हमारे उसूल है, हमारे आदर्श है। और ये तीनों डायलॉग किसके हैं? किसके? हाँ, कौन है अमिताभ बच्चन? हाँ, गुड। तो ये तीनों जो हमारे, ये जो तीनों चारों जो हमारे हमें जीवन में सिखाया जाता है, ये हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं सिम्बा वाली संस्कृति। सिम्बा वाली संस्कृति क्या बोलती है? खोखो। अरे वैसा रहे खोखो। अब अगर अपने को सिम्बा वाली संस्कृति में जाना है, इसका मतलब है कि आपका विकास हो गया। समझ में आई बात? नहीं है। और अगर आपको पद्मावत वाली संस्कृति में रहना है, इसका मतलब है कि आपके अंदर विकास का बहुत स्कोप बाकी है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट एक ही है, मैडम नूपुर बसु मैडम ने बहुत अच्छी चीजें बताई, क्योंकि उनकी इंग्लिश वो बहुत ही ऐसा उन्होंने किया, मैं आई एम फुल इंडियन। मैडम बिना यूपी वाले के आप इंडियन नहीं हो सकते। हाँ, यूपी इज देयर। लेकिन एक चीज मैडम ने बहुत अच्छा बोला कि हम लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी को आदि हो गए हैं कि हमको तो पसंद तो हमारे को सिम्बा है, बराबर है, पर हम हरकतें किसके जैसी कर रहे हैं? बाजीराव मस्तानी में, यानी बाजीराव मस्तानी में जो सिम्बा है, बराबर है कि उसके बाद भी कुछ था उसका, है क्या था भाई उसका मूवी? रणवीर की और एक मूवी थी ना, नहीं नहीं रामलीला नहीं जी, वो जो और एक मूवी बनी है उसकी, मैडम विदा हो रही है इसलिए अपन उसके बाद बात करते हैं। बहरहाल, तो जो मैडम ने, जो नूपुर बासु मैडम ने आप लोगों को समझाया कि हम टेक्नोलॉजी के बहुत आदि हो गए, और वो टेक्नोलॉजी ने हमें अपनी संस्कृति से दूर कर दिया। ये जो टेक्नोलॉजी है
इस टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग किया जाए ये हम पर निर्भर करता है। अभी ठीक हो गया ना, अभी अपन कुछ भी बोल सकते हैं। अब आ जाए काम की बात करें। देखो ऐसा है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था कि आप पिछले एक डेढ़ घंटे से बहुत बोर हो रहे थे करके। मैं नहीं बोलना चाह रहा था कि ये जो तालियां बज रही है ये इसलिए नहीं बज रही है कि मैं भी जाके बैठ जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सुनना चाहते हो, अच्छी चीजें सुनना चाहते हो। मैं भी आपको वही चीजें सुनाऊंगा जिसमें आपको नींद ना आए। हमारे बीच में आजकल एक नया ट्रेंड चलता है। हम लोग बहुत ही पुरानी बातों से समझ में नहीं आ सकते। हमने अगर बोला कि कृष्ण जी ने क्या बोला था अर्जुन को, कृष्ण जी ने क्या बोला था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत, अपना आजकल उससे कोई लेना देना नहीं। अपना आजकल लेना देना क्या है, रामलीला में सिम्बा ने क्या बोला, कितना इंस्टेंट चेंज हो गया अपन लोग। उसने इंस्टा पे जो पोस्ट डाली, किसने नहीं, अरे प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, वो अपनी लास्ट ईयर की स्पीकर थी ना। अभी आपको मैं प्रियंका बोलूंगा, आप चतुर्वेदी से चोपड़ा पे चले जाओ। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं है, जब भी हम अपने लाइफ के संस्कृति के बारे में सोचे, कल्चर के बारे में सोचे, तो सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए सही कल्चर क्या है। मैं आप लोगों को एक बुक बताता हूं जो आप कभी नहीं पढ़ोगे, पढ़ना भी नहीं, बहुत बोरिंग है वो, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी चीज थी कि आपका धर्म क्या है। मैं क्वेश्चन करता हूं, आपका धर्म क्या है, क्या है हा? किसी का कोई धर्म नहीं इधर, नहीं नहीं सुना है। जैसे मैं किसी को पूछूं कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं मुस्लिम धर्म का हूं, जबकि उस बुक में यह लिखा हुआ है धर्म का धर्म से कोई नाता नहीं। धर्म यानी आपका धर्म यह बोलता है कि मैं जितने बार भी बोलूं तो आपका धर्म यह है कि आप ताली बजाओ बजाओ। तो आपका धर्म यानी ड्यूटी, वैसे ही आपका कल्चर क्या होना चाहिए। आपका कल्चर यह होना चाहिए कि जिससे आपका घर, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपका देश जाना जाए, जिससे उसको एक अच्छा स्थान मिले। तो हम किसका कल्चर फॉलो करें, किसका कल्चर फॉलो करना चाहिए। आपके सामने एक क्राइम रिपोर्टर खड़ा हुआ, उसने जिंदगी भर क्रिमिनल से दोस्ती की, ठीक है। एक और सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी बैठा हुआ है, यानी क्राइम प्लस ऑल रिपोर्टर। तो हमारा कोई, हम ये प्रोफेशन है हमारा, हमने दोस्ती नहीं की उनसे, हमने फ्रेंडशिप नहीं की उनसे। प्रोफेशन में आप किसके दोस्त होते हैं, आपको आइडियली बाजीराव पसंद है, सिम्बा पसंद है, कि दीवार का अमिताभ पसंद है, क्या पसंद है, ये आपका इंडिविजुअल हो सकता है। लेकिन जब हम कल्चर ग्रास करने की बात करते हैं तो हमें बहुत सीरियसली उन आदर्शों को फॉलो करना होता है
जिसके बारे में हमें बुजुर्ग बोलते हैं, अरे इनके खानदान है इसके, इनके बाप दादाओं के यहां से ऐसा चलता है, ये वो आदर्श फॉलो करते हैं। तो हम जब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने या विकास ने या डेवलपमेंट ने हमारे कल्चर पर कोई प्रभाव डाला है क्या, तो कल्चर पर कोई प्रभाव नहीं डाला, उसने हम पर प्रभाव डाल दिया। मैं अक्सर देखता हूं, आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसा करते होंगे, अपन आजकल जनरली घर में दो ही बच्चे रहते हैं, एक भाई रहता है एक बहन रहती, कम झगड़ते हैं, दो बहनें रहती ज्यादा झगड़ते हैं, और दो भाई रहे तो बिल्कुल बहुत ही प्रेम से रहते हैं। लेकिन जहां एक ही बच्चा है, हमारी प्रॉब्लम, मनीष भाई हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कल्चर के मामले में कि हमको कोई सिखाने वाला नहीं रहा, तो अब हमारा कल्चर क्या हो गया पता है क्या, जहां एक ही भाई है या एक ही बहन है या एक ही बच्चा है तो वो कार की चौथी सीट पे कौन बैठता है, हमारा डॉगी। कौन बैठता है अभी सबके यहां देखो, खासकर ये वाले सेक्शन में, तो अले वो मिला पपी है ना, दिन भर उसके बारे में बताइए, सो स्वीट ना, पता नहीं उसका नाम संजय भी होगा एक आपका, यू नो संजू, सो सो स्वीट, अबे सो स्वीट भाई है संजू का जो होगा। तो हमारे कल्चर को हमने कैसे अडॉप्ट कर लिया, हमने अपने कल्चर में जीवित इंसान की जगह सो स्वीट पपी को ला लिया, तो अब आधे टाइम तो पपी जैसे हो गए। तो हमारा कल्चर खराब नहीं हुआ, पपी का कल्चर बहुत अच्छा होगा, वो हमारी चौथी सीट पे बैठने लग गया, वो हमारे घर में बैठने लग गया, वो हमारे सोफे पे बैठने लग गया, पपी बीमार पड़ा इंस्टा पे एक पोस्ट डाल दिया, सो सैड, अच्छा उसका चेहरा इतना उतर जाता वो बॉयफ्रेंड पूछता क्या है जालू, नहीं तो क्या इस तरह बोल लो तुम, चल उधर पिक्चर लगा लो, चलो उगास खरीदा लाउन डरते, अच्छा तो बीमार कौन है, तो पपी आहे बीमार। माझा म्हणण्याचा तात्पर्य फक्त एवढंच आहे की आपण आपला कल्चर कुठे नेऊन ठेवलं, की आपण जीवित माणसांसोबत राहत नाही, जिवंत राहत नाही आणि इंस्टाग्रामवर लाईव्ह असतो, बरोबर आहे। तर टेक्नॉलॉजीचा किती बोझा सहन करून घ्यायचा, टेक्नोलॉजी पर कितना हावी हो जाना, हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते चले और वो टेक्नोलॉजी के अधीन हो गए, लेकिन उससे हमने हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारे परंपराओं को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसको कहीं ना कहीं तौलने की जरूरत। हम बात करते हैं कि अब हम इस तरह की, हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, भाई चंद्रमा पर जा रहे हैं, लेकिन संक्रांत में तिल क्यों खाया जाता है ये कितनों को पता है, किसी को मालूम है क्या, कोई तो भी एक जन बताओ, संक्रांत में तिल क्यों खाया जाता है, बोला जी, नहीं नहीं बोलिए बोलिए, आप सही बोल रही है, करेक्ट, बैठिए, ये अकेली ऐसी चीज है या ये अकेली ऐसी स्टूडेंट है जो आगे चल के टीचर बनेगी, अरे उसको मालूम है आंसर, इसलिए बोला तुम सब तो ऐसी हो मेरे जैसे। मैं असल में हुआ क्या, हम अपने त्योहारों में हमने गलत चीजों को ले लिया, संक्रांत में हम क्या करते हैं पता है, उड़ाते नहीं, लड़ाते भी नहीं, पेचा लड़ाते, पतंग से नहीं लड़ा रहे, वो बाजू के टेरेस वाली से लड़ा, ऐसे ही होता ना, यानी मैं तो मेरे दोस्तों के साथ
बारी में जाता हूं तो ये करता हूं, अभी नहीं। पर सुनो, इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये भी करती है। अगर ये पतंग उड़ाने लगे और आप लोगों ने अपनी ढील नहीं दी और काटी नहीं, तो इनको क्या मजा आने वाले। तो हमारा कल्चर ये है कि हमने तिल संक्रांत को कल्चरली बनाना चाहिए, हम पीछा ला देने लगते। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध इतना ही है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलप तो हम इतने हैं कि जिसकी अभी हम, मुझे लगता है रिवर्स डेवलपमेंट में चले जाए। टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, अभी विनीत भाई वो इंडियन साइंस कांग्रेस में एक हमारे साइंटिस्ट महोदय बोल गए कि रावण के पास 24 प्लेन थे, कितने हवाई जहाज थे? मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, पार्क कहां करता हूं? ठीक है, लेकिन अगर हमारा ट्रेडिशन वो रहा है कि रावण के पास 24 हवाई जहाज थे, तो फिर ये क्या 100-125 साल में अभी अपन फिर से बात कर रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ेगा, अपन चंद्रयान पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, उस पे जाएंगे। मैं आपको एक ही चीज बताने आया। आजकल बहुत सारे लोगों के पास एप्पल होगा, कितने लोगों के पास है? अच्छा, कितने लोगों के पास नहीं है वो बता दो, हम समझ लेंगे गरीब लोग है करके। ये सारे गरीब लोग हैं। एप्पल में आजकल एक फीचर आ गया जिसमें आता है कि आप कितने देर सोशल मीडिया पर थे, आप कितनी देर आप कॉल्स पे थे, देखा होगा आप लोगों नहीं देखा? इससे एप्पल वापस ले। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब हमको संतुलन बनाकर रखना है, डेवलपमेंट का संतुलन बनाना है, ट्रेडिशन का संतुलन बनाना है, तो ये दोनों चीजों में हमें ये तय करना होगा कि हमारे जीवन में प्रायोरिटी क्या है। हम पापा से सवेरे बात नहीं करते, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं, सवेरे का किस्सा बताता हूं। मेरे को मेरे बेटे ने आज बोला, मनीष भाई जानते हैं उसको, अभी पूछ रहे थे कैसा है करके ले, तो मैंने बता दिया बड़ा हो गया करके। मनीष भाई आज सुबह आशु ने मुझे बोला, पापा मम्मी को लेके जा रहे हो ना, यानी कहीं जा रहे थे, तो बोले आते आते ना एक्टिवा में पेट्रोल भर के आ गया। ठीक है, भर देंगे, और ना हवा भी चेक कर लेना। मेरे को ना अचानक अपना बचपन याद आया। मैंने एक बार डैड को ऐसे ही बोला था कि डैड, उस समय तो साइकिल ही थी घर में, दो ही थी, बारी बारी से ले जाते थे। तो मैं डैड को एक बार बोला था कि डैड जा रहे हैं तो जरा हवा भरते ले आना। तो डैड ने इतनी हवा भरी थी मेरे अंदर, उसके बाद से जब भी मेरे को कोई हवा भरने बोलता है ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती उसको पलट के जवाब देने। तो मैं, ये चेंज हो गया, ये ट्रेडिशनल चेंज हो गया। यानी मेरी इच्छा ऐसी हुई कि सवेरे आंसू को मैं कूटूं, जैसे मुझे कूटा गया था ना उस समय हवा भरने के नाम। ये चेंज हो गया मैंने, ये हमारे ट्रेडिशनल चेंज हो गए। हम डैड को सामने खड़े तो डैड से बात नहीं करेंगे, उनको एक इमोजी भेज देंगे। अच्छा, इमोजी भी ऐसा मुंह उतरा हुआ भेज देंगे, फिर नीचे लिख के देना पड़ता क्या हुआ, कुछ नहीं, आज वो पिक्चर जा रहे। अच्छा, तो फिर मोबाइल में मेरी तो इच्छा होती कि उसी में 1000 रुपये भेज देना, 1000 ऐसे नोट का फोटो निकाल के, कि उससे अगर टिकट मिलती हो तो ले आ। अरे सामने बैठा है बापू, पूछ ले, हानिकारक भी नहीं है वो, माता कुटता भी नहीं है। यानी अपन बापू से बात नहीं कर रहे सामने, मैडम से क्या करते होंगे क्लास में। तो मेरा, मैं आपको बताना सिर्फ इतना चाहता हूं, हम अपने ट्रेडिशन को भूले नहीं। आज से कोशिश करो कि जब भी आप घर जाओ तो मोबाइल मम्मी के पास दे दो और उसके नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दे। किसके? किसके? हाँ, उसके। नहीं तो 3-4 नोटिफिकेशन है, पता चला मम्मी ने वही डाल दिया उसको गैस पे ऊपर। अगर आप ये करके देखो तो आपके ट्रेडिशन को कोई खतरा नहीं। वो खतरा इसलिए नहीं है
क्योंकि आप पर ट्रेडिशन हावी होता जा रहा। कैसे हावी हो गया? हम सब कुछ फॉरवर्ड करने पर भरोसा कर, कुछ भी आया। सवेरे सवेरे तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाई आई, हनुमान चालीसा की चौपाई आई, हमने फॉरवर्ड कर दिया। जिसको भेजा उसको मालूम तो भी है कि नहीं कि हनुमान चालीसा क्या होती है, पर उसको भेज दिया। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्ञानवान हो गए। ये हमारी टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट है, और ये साइड इफेक्ट इतना खराब है कि हमारी बेचारी ये वाली संस्कृति छोड़ के हमारी संस्कृति को टेक्नोलॉजी से खतरा नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी जो हम हैं, हम हमारी वजह से हमारी संस्कृति को खतरा। तो अगर आपको लगता है, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं और जिनको सीरियसली भी कुछ ऐसा लगता है कि हमने अपनी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को बहुत थोड़े दिन और उसको रिच रखना, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर होना पड़े और टेक्नोलॉजी से बाहर आना पड़े। मुझे जब भी थोड़ा सा मैं डर भी रहा था, जब भी वो मैडम जब भाषण दे रही थी, हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट द सबरीमाला इशू, मैं 100% मनीष भाई गारंटी से बोलता हूं 80% को मालूम नहीं होगा सबरीमाला विषय क्या। सबने हाथ ऊपर कर दिया, बोलो हाउ कि नहीं। 80% को नहीं मालूम सबरीमाला विषय क्या। आई एम नॉट जोकिंग, मैं किसी की वो नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं पहले अगर किसी के बारे में भी अगर राय भी देनी है तो पहले ज्ञान तो ले लो। वो ज्ञान परंपरा का हो सकता है, वो ज्ञान माँ दे सकती है। आजकल वैसे बाप को ज्ञान बांटते हैं, पापा हवा भर के आ जाना, है ना। लेकिन अगर हमने कहीं भी अपना समय विकास के साथ दोस्ती में नहीं गवाया तो हम अपने ट्रेडिशन को बचा सकते हैं, और अगर कल्चर को बचा सकते हैं। और अगर हमको विकास से दोस्ती करनी है तो हमको कल्चर छोड़ना पड़ेगा, जो हम बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, बराबर। अब इसके बाद कम से कम लाइफ में हमें तय करना पड़ेगा कि हम किस कल्चर की तरफ जाना चाहते हैं। एक तो हमारे पास आइडियली बहुत ही क्या वो 2018, मनीष भाई 2018 बहुत दिल दुखाऊ वर्ष गया ना, बहुत सारे लोग हीरोइनों ने शादियां कर डाली, दो चार से तो मेरा भी बहुत ही मूड ऑफ हो गया था दो चार महीने। मेरे से किसी को शादी नहीं करना था लेकिन मूड ऑफ हो गया था। एक कल्चर पकड़ के शादी कर रही थी और एक वेस्टर्न कल्चर पकड़ के। किसने शादी किया वेस्टर्न कल्चर में? उससे कितने लोग खुश हैं? अयो एक भी नहीं है। प्रियंका ने देखी ना, वो तलाक ले गई मनीष, प्रियंका तलाक ले गई, यहां एक ने भी हाथ नहीं उठाया। तो निक जोन्स पसंद नहीं है किसी को? अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छी बात। मैं एक्चुअल में कल्चर की बात ये कर रहा था कि अगर मैं पूछूं कि रणबीर और दीपिका की शादी कितने लोगों को अच्छी लगी, तो मेरे ख्याल से पूरे 100% हाथ उठने चाहिए, नहीं उठने चाहिए। अच्छा इधर तो बहुत दुखी है इधर लोग, मैं रणबीर से बात करूंगा कि छोड़े करते। लेकिन हम कल्चर की जब बात करते हैं तो हम अपने कल्चर को छोड़ दें। कल्चर को कहां हमने छोड़ दिया? अभी जैसे पंजाबी का एक कल्चर होता है, मुझे कोई बताएगा पंजाबी का क्या कल्चर होता है? कोई नहीं बताएगा, एक भी नहीं है पंजाबी। देखो पंजाबी का एक कल्चर होता है, जमकर खाओ पियो ऐश करो, बराबर। अब हमारे पंजाबी आजकल क्या करते हैं? रैप गाते हैं, बराबर। रैप